वाली कक्षा आठवीं की तो माना कि बच्चों आप बड़े होकर के एक परीक्षा दे रहे हो आईसीएस क्या दे रहे हो आईसीएस की बच्चों आप परीक्षा दे रहे हो अब वहां कोई ड्यूटी कर रहा है तो यहां पर एक मैडम 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 दो ये ड्यूटी कर रही हैं पर यहां पर ये मैडम ड्यूटी कर रही हैं अब आप बहुत होशियार हो अब उस मैडम ने आपसे कहा कि ये ये जो जो पंख पंखे चल रहे हैं ये बताओ इसमें कितनी पंखुड़िया हैं वो चलते हुए पंखे में पता ही नहीं चलता कितनी पंखुड़ियाँ बंद करोगे तभी तो पता चलेगा तीन पंखुड़ियां चार पंखुड़िया हैं तो आपसे पूछा बताओ पंखा चल रहा है आप कैसे बता पाओगे कि इस पंखे में कितनी पंखुड़ियाँ क्योंकि चार पंखुड़ियां भी होती हैं पंखों में अगर आप होशियार हो तो जो कहोगे मैडम अभी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में एक सेकंड में दो सेकंड में आपने पंखा बंद कर दिया और आपने बोला लो मैडम इसमें चार पंखुड़ियां हैं तीन पंखुड़ियाँ मतलब आप तुरंत तो गिन सकते हो है बोलो सत्य बात इसी तरह एक बात आती है सुभाष चंद्र बोस के बारे में उसे अपन देखते हैं छात्रों आपके सामने देखो प्रश्न तो देखो कॉपी में ये छप करके आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रश्न कॉपी में छप के आएगा एक नंबर कैसे बनता है देखो कोई बच्चा पता नहीं क्यों फेल हो जाता है एक नंबर कैसे बनता है प्रश्न आपने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था आत्मविश्वास पाठ के आधार पर बताइए एक उदाहरण दीजिए ये पूछा है आपसे तो यहां देखो सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण आत्मविश्वास था ये प्रश्न भी लिखा हुआ अब उत्तर बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस का सुभाष चंद्र बोस जी का प्रमुख चारित्रिक गुण उनका आत्मविश्वास था यहाँ तक बताओ क्या दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ ये तो प्रश्न से ही बन गया है सुभाष चंद्र बोस जी का प्रमुख चारित्रिक गुण उनका आत्मविश्वास था यही हम आपसे कह रहे हैं आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए आप हर प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं एक बार की बात है बीआईसीएस आई की परीक्षा दे रहे थे तो वहाँ एक अंग्रेज परीक्षक ने तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करते हुए सुभाष जी से पूछा पुनः एक ऑप्शन है एक बार की बात है बे आई की परीक्षा दे रहे थे तो वहाँ एक अंग्रेज परीक्षक ने तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करते हुए सुभाष जी से पूछा क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं तब सुभाष चंद्र बोस जी ने पंखा बंद कर दिया और बोले जी हाँ सुगमता के साथ गिन ही सकती हैं तो बच्चा ये आपका आंसर हो गया अब परीक्षा में आप थोड़ा भी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है आप परीक्षा में आंसर अपने शब्दों में भी लिख देंगे तो अच्छे अंक मिलते हैं जांचने वाला जो होता है बहुत खुश होता है कि आपने अपने शब्दों में लिखा है हालांकि हमने आपको जो उत्तर बताया अपने शब्दों में अच्छी भाषा में लिख के ही बताया है इसी तरह आप हमारी वीडियो देखते रहें